A merry-go-round rotates from rest with constant angular acceleration alpha. Ratio of time to rotate first two revolutions and next two revolutions is. Merry-go-round क्या है? एक प्लेटफॉर्म है ऐसे सर्कुलर, और इस पर कुछ सीट्स वगैरह लगी होंगी, झूला टाइप है, और ये गोल गोल थ्रू इलेक्ट्रिसिटी गोल गोल घूमता है. तो बोल रहा है कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, और फर्स्ट टू रिवॉल्यूशंस का रेशियो निकालो अगले दो रिवॉल्यूशन से. तो इनिशियल स्पीड इसकी ज़ीरो मान लेता हूँ, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन इसका अल्फा है. ठीक है, तो जैसे हम लीनियर इक्वेशन में मोशन लगाते थे एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सिमिलरली हम लोग रोटेशनल मोशन में इक्वेशन लगाते हैं थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर. पहले दो रिवॉल्यूशंस के लिए टी की जगह टू डाल देंगे. ठीक है, तो टी को हम अभी फॉर द टाइमिंग टी वन मान लेते हैं, और थीटा एक रिवॉल्यूशन में कितना घूम जाएगा, ये एक रिवॉल्यूशन घूमेंगे टू पाई, है ना, टू पाई रेडियंस. दो में कितना घूमेगा, फोर पाई रेडियंस. ठीक है, तो थीटा की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे फोर पाई, यहाँ लगेंगे फोर पाई, इनिशियली ज़ीरो था, हाफ अल्फा टी वन स्क्वायर. सॉल्व करके ना टी वन के लिए टी वन आ जाएगा रूट एट पाई बाई अल्फा. ऐसी पहले चार रिवॉल्यूशंस के लिए देखो, पहले चार रिवॉल्यूशंस के लिए क्या करेंगे, चार रिवॉल्यूशंस में कितना रेडियन कवर होगा, एट पाई रेडियन, यह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इसी फार्मूले में, एट पाई ज़ीरो हाफ अल्फा टी टू स्क्वायर, मतलब ज़ीरो से पहले चार रिवॉल्यूशंस तक का टाइम जो कि टी टू है. तो ये टी टू सॉल्व करके आ जाएगा आपके पास, टू यहाँ से मल्टीपल आ जाएगा ना, रूट सिक्सटीन पाई बाई अल्फा. तो मुझे कौन कौन से रिवॉल्यूशन चाहिए, फर्स्ट के दो रिवॉल्यूशन और नेक्स्ट के दो रिवॉल्यूशन. तो फर्स्ट के दो रिवॉल्यूशन तो अपन निकाल चुके हैं टी वन, और ये है ज़ीरो से चार सेकंड तक का रिवॉल्यूशन. तो मुझे निकालना है सेकंड से फोर सेकंड तक का. तो ज़ीरो से टू तक का तो मैं निकाल चुका हूँ, और ज़ीरो से फोर तक का भी निकाल चुका हूँ, फोर सेकेंड्स तक का. तो टू से फोर का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, जो ज़ीरो से फोर वाला है ना उसमें से माइनस कर दो ज़ीरो से टू वाले टाइम को, तो मेरे पास वो टाइम आ जाएगा जो दूसरे सेकंड से चौथे सेकंड तक का रिवॉल्यूशन में टाइम लगता है. ठीक है, तो यहाँ ज़ीरो से फोर तक का टाइम क्या था, अभी निकाला है टी टू, और ज़ीरो से टू तक का टी वन, दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा तो दूसरे से चौथे सेकंड तक का जो टाइम होगा रिवॉल्यूशन का वो निकल जाएगा मेरे पास. तो टी टू माइनस टी वन करेंगे तो जो बाद के दो सेकंड हैं, तीसरे और चौथा सेकंड है, उसमें रिवॉल्यूशन का टाइम आ जाएगा. ठीक है, तो मेरे को रेशियो क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेशियो निकालो आप, रेशियो ऑफ फर्स्ट टू रिवॉल्यूशंस एंड नेक्स्ट टू रिवॉल्यूशंस. पहले रिवॉल्यूशन में ये टाइम लगा, और उसके बाद के जो दो सेकंड हैं उसमें टाइम ये लगा. तो यहाँ लिख दिया मैंने 16 को क्या लिख सकता हूँ, टू इंटू एट, है ना, तो ये एट पाई रूट एट पाई बाय अल्फा रूट एट पाई बाय अल्फा रूट एट पाई बाय अल्फा तीनों कैंसिल हो जाएंगे. इधर वन बचेगा, इधर रूट टू बचेगा, इधर भी वन बचेगा, वन बाय रूट वन अपॉन रूट टू माइनस वन. रेशनलाइज करेंगे रूट टू प्लस वन, रूट टू प्लस वन से मल्टीप्लाई, नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी दैट इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा के सॉल्व करने पर ये तो वन ही हो जाएगा, सिर्फ बचेगा मेरे पास रूट टू प्लस वन, यही आंसर हो जाएगा. थैंक यू.